स्वयं आत्मा ब्रह्म, कि वह ब्रह्म मेरे से अलग नहीं, मेरे से दूर नहीं, अपने असली मैं को याद करते करते इस नश्वर जड़ पंच भौतिक शरीर से अब ऊपर की यात्रा करो। अपने घर से तो तुम आश्रम की यात्रा करके आए, सच मानो तो तुमने यात्रा नहीं की है तो तुम्हारे शरीर ने यात्रा की, लेकिन मैं तो तुमको यात्रा करवाना चाहता हूँ। ऐसी यात्रा करो कि तुम्हारे सारे तीर्थ हो जाएं, सारे व्रत हो जाएं, सारे तीर्थों में तुमको स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो तुम्हारी ऐसी यात्रा करवाना चाहता हूँ। बद्री केदार की यात्रा तो तुमने करी होगी, तीर्थों की यात्रा तो तुमने बहुत करी होगी, लेकिन अभी तक तुम्हारा दुख नहीं मिटा, तुम्हारा शोक नहीं मिटा, तुम्हारा तिमिर अज्ञान नहीं मिटा। अब ऐसी यात्रा करो कि सदा के लिए दुख छू हो जाए, ढूंढने पर भी न मिले कि दुख कहाँ गया, शोक कहाँ गया, तिमिर कहाँ गया, परेशानी कहाँ गई, ये पता ही न चले। ढूंढो तब भी ऐसी यात्रा करो मेरे साथ। हो आत्मा परमात्मा की, उस ब्रह्म परमात्मा की यात्रा करो। उस यात्रा में तो पैसों की जरूरत, गाड़ी मोटर की जरूरत, नाश्ते की और भोजन की जरूरत रहती है। ठंड हो तो स्वेटर और टोपी, कंबल और शॉल की जरूरत रहती है, और ये यात्रा तो ऐसी है कि किसी की जरूरत नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है कि तुम साथ हो लो। बस तुम्हारी तत्परता चाहिए, तुम्हारी लगन चाहिए, और तुम्हें गुरु की नज़र से अपनी नज़र मिलाना आना चाहिए, गुरु के कदमों से तुम्हें अपने कदम चलाना आना चाहिए। बस तो यात्रा होने लगती है। कबीर ने यात्रा कर ली, तुलसी ने कर ली, मीरा ने कर ली, रहीदास ने कर ली, सूरदास ने कर ली, सुंदरदास और सहजो, दयाबाई और फूलीबाई ने यात्रा करी। वो छोटे छोटे 5 साल का बालक ध्रुव और प्रहलाद ने वो यात्रा कर ली, तो तुम क्यों बाकी रह जाओ। तुम भी कर लो ये यात्रा। इस यात्रा को किए बिना जन्म सफल नहीं हो सकता। ये यात्रा ऐसी है कि ये यात्रा सारी थकान को मिटा देती है। ये यात्रा ऐसी है कि सारे दुखों को मिटा देती है। बाहर से अब ये मेघ बरस रहा है और भीतर से भगवान की शांति, भगवान का आनंद, भगवत प्रेम की बारिश होने लगे, अंतःकरण शीतल होने लगे। प्रभु तेरी जय हो, हे मेरे दाता तेरी जय हो, हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जब जब तुम्हारे सामने परेशानी आ धमके, तो हरि ओम की गदा से उस परेशानी को मार भगाओ। जिसके पास ओमकार रूपी गदा है, उसका चिंता क्या बिगाड़ सकती है, उसके आगे मुसीबत कहाँ टिक सकती है, उसके आगे प्रॉब्लम भाग खड़े होते हैं कि ये गलत एड्रेस पे हम पहुंच गए।
ये गुरु का मंत्र ओमकार की गदा सदैव अपने साथ रखो। हर मुश्किल, हर परेशानी, हर चिंता और हर प्रतिकूलता के समय ओमकार की गदा मार कर उनको भगा दो और याद करो कि हम किसके शिष्य हैं, हम किसके भक्त हैं, हमने किसका सत्संग सुना है। ऐसा दिव्य आध्यात्मिक सत्संग सुनने के बाद फिर तो शर्म की बात है दुखी होना, फरियाद करना, चींटी को, पशुओं को, पक्षियों को जो जीवन देता है, करोड़ों करोड़ों जीवों को जो जीवन देता है, दाना पानी देता है, वो परमात्मा क्या तुमको दाना पानी नहीं देगा? कपड़े की चिंता, गहने की चिंता, रोटी की, पानी की और मकान की चिंता, चिंता तो वे करें कि जिनके जीवन में भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, चिंता तो वे करें जिनके चित्त में श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, विश्वास नहीं। और दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखने वाले को चिंता करने का क्या मतलब होता है? अरे भाई, चिंता तो दीन दयाल को, चिंता मुझे मेरी नहीं है, चिंता तो मेरे भगवान को है मेरी, हम काहे को चिंता करेंगे? चिंता दीन दयाल को, मोरे मन आनंद जिसने पैदा किया। हम लोग पेट में थे और जिसने माँ के शरीर में हमारे पैदा होने से पहले दूध बना दिया, वो क्या हमारे लिए चिंता नहीं करेगा? जो ऑक्सीजन देता है वो चिंता करेगा? तुम तो भगवान का भजन करो ईमानदारी से, बाकी निश्चिंत होकर उसके ऊपर सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, जिसका सहारा वो परमात्मा है उसको चिंता क्यों करना? उसको चिंता से क्या मतलब? जिन्हें राम तना रखवाड़ा, जिसका रखवाल वो राम है, वो राम ही उसका सब संभालता है। तुम तो निश्चिंत होकर जैसे बालक अपने माता के गोद में निश्चिंत होता है, बच्चा अपने माता पिता की छत्र छाया में न कपड़े की चिंता करता है, न रोटी की, न पानी की, न किसी की, ठीक उसी प्रकार तुम भी उस भगवान के बालक हो। अपने को बड़ा मान लिया वही गलती है, और चिंता के बोझे अपने सिर के ऊपर लाद के खाम खा परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि हाय रे हाय हमारा क्या होगा। अरे चिंता दीन दयाल को, मोरे मन आनंद, कब मिलिए कब बिछड़िए, पाइए पूर्ण परमानंद। उस परमात्मा का ईमानदारी से भजन करने वाले को कभी भला कोई दिक्कत हो सकती है? और समझो होती भी है तो वो प्यारा कभी परीक्षा ले लेता है कि मेरा प्यारा दुखी होता है कि धन्यवाद देता है। ऐसा करके वो प्रभु कभी मुश्किली भी देता है, परेशानी भी देता है, तो भी उसका विनोद उसी का खेल। तुम तो अपने आप को उस परमात्मा के हवाले करके निर्भार और निश्चिंत हो जाओ। हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 ओम।
मेरो चिंत्यो होत नाही, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि करे। मैं रहूं निश्चिंत, मेरी हो सो जल जाए, तेरी हो सो रह जाए। चिंता वा की कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। जो अनहोनी है वो तो कभी संभव नहीं है, और जो होनी है जो लिखी है उसको तो भगवान भी नहीं टाल सकते। सीता का वियोग लिखा था राम के भाग्य में तो हुआ, सोने का मृग सीता के भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला। 14 साल जंगल में लिखा था तो राम को भी 14 साल जंगल में रहना पड़ा, पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। और कृष्ण को भी रण छोड़कर भागना पड़ा। तो ये सब विधि का विधान, जान हानि लाभ सही है, लेकिन चिंता करके भय करके मायूस मत बनिए, अपने आप को कोसिए मत, हिम्मत हारिए मत, चिंता कीजिए मत। और ये याद रखिए कि परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती, सुख भी नहीं टिकता, दुख भी नहीं टिकता, संयोग भी नहीं टिकता, वियोग भी नहीं टिकता, गरीबी भी नहीं टिकती, अमीरी भी नहीं टिकती। और दुनिया के लोगों का सदा प्यार भी नहीं टिकता, ये सब बदलता है। टिकने वाला तो वो परमात्मा है, टिकने वाला तुम्हारा प्रभु है, गुरु का ज्ञान है, बाकी कुछ नहीं टिकता। चला चली के वक्त में भला भली कर ले तो उस परमात्मा को अपने जीवन का आराध्य, उस परमात्मा को अपने जीवन का एकमात्र सच्चा सहारा मानकर उसके प्रति अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से युक्त होकर निर्दोष बालक जैसे अपने आप को माता पिता के आश्रित मानकर निर्भार होकर हंसता खेलता नाचता है, रोता है तो माँ के लिए, हंसता है तो उनको खुश करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिंदगी की हर चेष्टा उस ईश्वर की प्रसन्नता में बीते तो यही भक्ति है। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, मेरा प्रभु जिसमें रख दे वही हाल अच्छा है, वही हाल अच्छा है। इसलिए सदैव अपने आप को उस ईश्वर का सच्चा प्यारा और सच्चा हितेशी मानकर परमात्मा से एकत्व का अनुभव करो, और ओमकार रूपी मंत्र को सदैव साथ में रखो। चलते फिरते उठते बैठते हरिओम ओम ओम ओम, श्वास श्वास में नाम जप, एक श्वास ना खोए।